अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है। मैं ये सोच रहा था कि यार व्लॉग में कब स्टार्ट करूं, क्या करूं। ये बच्चा है यार, इन्होंने बोला कि व्लॉग आप अभी स्टार्ट कर दें और हमसे ही स्टार्ट करें। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं, खैरियत से? आप कैसी हैं? ठीक हैं, चले आप लोगों से स्टार्ट कर दिया। सही है, ओके। आ जाए अंदर, आ जाए अंदर, आ जाए। कहाँ, दो घंटे से वेट कर रहा हूँ, आप कहाँ रह गए? नहीं जाना मंडी आपको, चलना है आपने। अदनान भाई आप कितना शॉर्ट है, मार्केट से मंडी नहीं आ रहे हमारे साथ यार, बिजी चल रहे हैं भाई। कहाँ के कौन से काम दे दिए इनको कि यार ये मतलब कभी तो चलो ना यार। अच्छा, घरेलू काम में मसरूफ है। अच्छा भाई जान आप, अच्छा यार इनको मैं कैसे कहूँ, ये जो है ना दुकान के ऊपर ही बिजी होते हैं यार। लेकिन यार इनकी कोई सेटिंग बना होगा, किसी दिन कोई रिप्लेसमेंट दो कि ये भी मंडी चले यार हमारे साथ, है ना। कोई सौदा तो करना चाहिए आपको भी यार। क्या चैलेंज है? अच्छा गाड़ी के अंदर, अरे याद आया लास्ट ईयर अदनान ने एक जानवर चढ़ाने की कोशिश की थी। हाँ पैसे भी मिले थे, चढ़ा दिया था इसने गाड़ी में। चले यार आप जो है ना, हम लोग मंडी निकल रहे हैं। फाइनली हमने हिम्मत बना ली। भाई जान आपको कुछ चाहिए, बकरा दुम्बा वगैरह? बिरयानी मंडी से? हाँ सही है, मंडी से ही लेके आएंगे आज। अरे भाई ये स्टेयरिंग पे हाथ नहीं रखा जा रहा है यार, 10 मिनट तक सिर्फ खड़ी की थी मैंने गाड़ी यहाँ पे और ऐसा गर्म हो गया। और ये कौन आ गई खातून? अच्छा ये तो शकील भाई है यार। ये शकील भाई आप क्या पहन के आ गए यार? और भाई जान आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं। आज शकील भाई क्या लेके आए? मूंगफली लेके आए। वाह भाई वाह यार, इतनी तेज गर्मी है ना कि यार यकीन करें सुस्ती होती है, मतलब गाड़ी से बाहर नहीं निकला जाता। मंडी के अंदर गाड़ी पार्क करके थोड़ी देर तक आपका भाई ऐसे ही बैठा रहता है। मुझे तो लग रहा है कि गर्मी हर साल इसी तरह बढ़ती गई ना, तो आने वाले सालों के अंदर मंडी भी एयर कंडीशन हुआ करेगी। वेलकम टू मंडी भाई, पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह एक और बार। आज कौन चलेगा हमारे साथ इसका फैसला होगा। मंडी पहुंच गए भाई, टोपी पहन ली है, ये चादर बांधते हैं, ये स्लीव्स पहनते हैं और इसके बाद फिर जो है ना बाहर निकलते हैं सौदा करने के लिए। हाउ आर यू ऑल भाई, कैसे हो आप लोग? लंच टाइम चल रहा है। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। ये कितने दांत है? ये भी दांत है, दो दांत है। इसके क्या मांग रहे हो? बिल्कुल हमारे लिए बताओ। 170 का, 170 का है जी। ये भाई बता रहे हैं दुम के ऊपर जो है ना दवाई लगी हुई है, देख रहे हैं। अच्छा दवाई लगी हुई है, सही हो जाएगी। ये दो दांत है बछड़ा, क्या मांग रहे हो इसके? देने वाली बात बिल्कुल हमारे लिए। 160 यार, 160 जिस जानवर के इसने मांगे थे ना, इतने जायज मांगे थे कि एक रुपया कम कराने की जरूरत नहीं है, हम यूं ही ले लेते। लेकिन आज का जो बजट है वो कम है ना, आज का बजट कम है इसीलिए नहीं लिया। और इसके ये कितने दांत है? खीरा है, दो दांत हो गया। ये वाला खीरा है? हाँ सही है, दो दांत। एकदम बोलू इससे ऊपर नहीं बढ़ूंगा, अगर आपको समझ में आए तो बिस्मिल्लाह। 1 लाख अब आप बता दो क्या हो जाएंगे, देख लो बच्चा छोटा। अगर है कोई गुंजाइश वाली बात है तो बता दो। ये भी बच्चे दो दांत हैं? हाँ ये भी दो दांत है, एक ये दूसरी ये तीसरा ये, इन तीनों की बात करो, तीनों चाहिए। अब इसको क्या हो गया, ये शफाटर क्यों हो रहा है? हाँ रिलैक्स हो जाओ ना, क्या हो गया? ये मस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब मैं जब पीछे हट रहा हूँ ना, ये देखें फिर आ रहा है मारने के लिए। करीब जा रहा हूँ तो नहीं मार रहा, ये देखें करीब जा रहा हूँ ना नहीं मार रहा, लेकिन जैसे पीछे भाग रहा हूँ ये देखें फिर मार रहा है। बासित 1-5 के हिसाब से तीनों के पैसे लगा देते हैं। 3-15? हाँ 3-15। यार तुम हमें सौदा करने दोगे या तुम अपनी तफरियों में लगे रहोगे? 1-5 के हिसाब से तीनों दे दें, हो जाएगा कर दे, जायज मांगे यार। क्या देने वाली बात करो ना, फिर बोलो यार थोड़ी बहुत गुंजाइश करो। बिस्किट खाओ, चॉकलेट वाला बिस्किट खाओ, हो सकता है तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। मैंने सुना है चॉकलेट खाने से मूड स्विंग हो जाता है। 3,20,000 में तीनों जानवर दे दो, खत्म करो बात। हैं हो जाएगा यार, दिल बड़ा करो यार। अभी तक तुमने कितने जानवर बेचे ये बताओ? नहीं बेचे अभी तक, नहीं बेचे तो आज एक साथ 3 बिक रहे हैं तुम्हारे। हैं कर लो यार, दिखाओ भाई दांत दिखाओ। हाँ दो दांत है, सही है, बिल्कुल सही है। 25,000 का खर्चा है एक जानवर, यानी हमें सब पता है, हम शेखवान भी गए हैं। सही है, हम रहीमिया खान मुल्तान हर मंडी से होके आए हैं, हमें अंदाजा है। 1-12 के हिसाब से तो बिल्कुल जायज बोल दिया यार, अभी क्या बोलेंगे और? मतलब आप बोलो 1-18 बिल्कुल आखिरी है यार, इतना फर्क रह नहीं गया असल में। चलो सही है, 1-13 के हिसाब से दे दो, हो जाएगा। अब सिर्फ 5,000 के लिए छोड़ रहा है, 5,000 के लिए मशवरा कर लो, भाइयों से मशवरा कर लो, दे दो, बिल्कुल सही बोला है यार। दोस्त इसका क्या मांग रहे हो? ये कितने दांत है? दो दांत है? नहीं ये दो हमने, ये पका किया। अच्छा ये पका किया, इसके बराबर वाला? ये दो दांत है, ये दो दांत है इसका। जानी क्या मांग रहे हो इसका, ये दूसरे नंबर वाले का? हाँ इसका, इसका 240 मांग रहे हैं यार। यहाँ पे इतने खुराड़ जानवर क्यों हैं यार, हर कोई टक्कर मारने के ऊपर ही लगा हुआ है। अच्छा अंदर जो है ना इन्होंने अच्छे बड़े जानवर बांधे हुए हैं, खूबसूरत जानवर हैं, बाहर जो है ना थोड़े छोटे साइज के जानवर हैं। तो खैर पर जानवर के हिसाब से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का फर्क रह गया है, और वहाँ पे जो है ना फड्डा चल रहा है, बहस चल रही है, हो सकता है सौदा बन जाए, हो सकता है सौदा कैंसिल हो जाए।
लेकिन मैं जो है ना अभी अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे जानवर देख रहा हूँ, बड़े वीआईपी नस्ली जानवर खड़े हुए हैं यार। ये तो जो है ना बाहर वाले से भी ज्यादा छुपाटा है। ये देखें हाथ लगाऊं आजा उठो भाई। खिला दिया इनको, खिला दिया। अरे आप कैसे उठोगे, कितनी देर बाद उठेगा? नहीं, इन्होंने बोला एक दो घंटे बाद एक बंदे को छोड़ेंगे। एक को नहीं खिलाना, ताकि ये जागा रहे, बाकी सारे सो जाए। ये ले भाई जान, ये है लाख लाख दो लाख और मैं दे रहा हूँ ना, ये लो पकड़ो, ये लो सही है। और कितने देने? 26,000। नहीं, ऐसा नहीं करो यार। अरे हो जाएगा यानी, यकीन करो। नहीं है, जानवर के हिसाब से पैसे लगाए यार। अब तुम्हारे साथ इतनी बात हो गई ना, यकीन करो कि बस अब ये लो 26,000 रूपए। वो लाख 26,000 रूपए की कोई वैल्यू ही नहीं है यार। हैं? अरे कहाँ 26 और कहाँ 30 यार, 4,000 बहुत वैल्यू होती है जानी। तुम्हारे को मुझे लगता है पैसे का कोई मसला नहीं। देखो राडो पहनी हुई है तुमने, है राडो, लाखों रुपए की सोने की घड़ी पहनी है यार। जानी तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे लग रहा है ऐसी है, राडो और प्राडो हैं दोनों साथ साथ यार। ये राडो और प्राडो भाई नहीं मान रहा यार, आज जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया यहाँ पे यार। इतना मतलब आर्गुमेंट चल रहा है। पैसे की खुशबू सुन यार, इसको भी खुशबू क्या आएगी, प्राडो और राडो में घूमने वाला बंदा है। नाम क्या है आपका? नाम अभी तक मैंने पूछा नहीं। मजर भाई यकीन करो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप बंदे बहुत अच्छे हो, अगर गुंजाइश बनती है दे दो, वरना कोई मसला नहीं, आपसे मोहब्बत कायम रहेगी इंशाल्लाह। आपके फिर चक्कर लगेगा, कोई मसला नहीं। सही है आप बंदे वीआईपी हो, सही है ना यार। बंदे का बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था, सही है। सारे भाई बहुत अच्छे हैं, अगर सौदा बनता है वो तो नसीब की बात है, बने नहीं बने कोई मसला नहीं। अब मजर का भाई अजहर भी आ गया मैदान के अंदर, उसने पैसे लेके हाथ में पकड़ा दिए भाई। 2,26 हमने दिए ये भाई जान, ये मजर के भाई अजहर 1,000 रूपए और नहीं बस 2,27 खत्म। आप लोगों को नोट गिनने की मशीन दिखाऊं? ये देखें, एक मशीन यहाँ लगी हुई है, एक मशीन यहाँ लगी हुई है। ओए होए होए, मस्ती। ओए भाई। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सौदा हो गया। ये देखें भाई, ये बछड़ा है जो कि अभी मस्ती कर रहा है, और ये है हमारी बछड़ी, ठीक है जी। दोनों दो दो दांत के हमने चेक कर लिया। चलो भाई गाड़ी के अंदर चढ़ने का टाइम आ गया है यार। बछड़ी तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन बछड़ा बहुत मस्ती कर रहा है यार, यकीन करें। ये जो है ना अभी हाथ में नहीं आ रहा, फुल चपाटर हो गया है। चढ़ जाओ भाई, तुम्हारी जो है ना शिफ्टिंग हो गई है यहाँ से। ओए भाई, बछड़ा भी चढ़ गया। बेहतरीन सेटअप हो गया, वीआईपी सेटअप, दो दो जानवरों का सौदा। हाँ मजर भाई, अभी क्या है? मिठाई। अच्छा मिठाई, तुमने खिदमत की है जानवरों की? नहीं यार, ये खुशी की बात होती है, मिठाई नहीं दें तो ये तो इनकम्प्लीट हो जाएगी ना। तो भाई मिठाई देते हैं 500 रूपए। 1,000 रूपए है, 1,000 जानवर का है, 1,000 जानवर का नहीं है। हम 500 रूपए देते हैं जानवर का, ये लो 1,000 रूपए, ठीक है जानी। इंजॉय पार्टी, वीआईपी सेटअप। यार जानी बात सुनो, गाड़ी मैं चलाऊंगा, आ जाओ बाहर, आ जाओ तुम बराबर में बैठो। आज जानवरों को आपका भाई लेके जाएगा यार अपनी गाड़ी तक। चलो भाई, दरवाजा बंद कर दिया। अब जानी मैं तुम्हें कहाँ लेके चलूँ? इस्लामाबाद चले दोनों भाई, इस्लामाबाद चलते हैं, पहाड़ों में घूमते हैं आराम से, क्या बोलते हो? मजा आएगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? हो जाएगा। हो गई स्टार्ट। तो ये हमने लगा हुआ पहला गया। वाह भाई वाह। ओए होए। यार मैं टर्न करता हूँ बड़ा खतरनाक, पता चला दोनों जानवर गए बाहर, मार्केट से शॉर्ट हो गए। तेज कर दूं? ओए होए, तेज कर दिए, फुल मट्टी के दलदल में फंस गए हम लोग। ये देखे ओए होए होए, स्टेरिंग घुमा दिया, डेजर्ट सफारी। वाह भाई वाह। कितने लोग बोलते हैं कि एक दिन मुझे नसीर भाई के साथ जो है ना गाड़ी चलानी चाहिए, बताए। तो आपका भाई जो है ना एक दिन नसीर भाई के साथ जो है ना जानवर उठाएगा, सही है। यहाँ तो दूसरा गियर मारने जैसा है ही नहीं भाई, पहले गियर में ही खुश है गाड़ी यार। चले नसीर भाई, अपना स्टेशन आ गया, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से जो है ना आप लेके जाएं। गाड़ी इतनी गर्म हो रही है कि बैठने की हिम्मत नहीं हो रही, पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं, एसी चला देते हैं। अरे यार थोड़ा सा लेट हो गया यार, ये बछड़ी उतर गई यार, इसने जंप लगा दी थी ऑलरेडी। चलो भाई दूसरा उतार के दिखाते हैं आपको, इसको घुमा के उतारना है बिल्कुल। हाँ यूं करके घुमा के, हाँ ये उतारेगा ना आज को। ना ये तो खुद, रस्सी तो पकड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितने सारे जानवर हो गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे के सारे जानवर जब कुर्बान होंगे
और इनका गोश्त वो फैमिलीज तक पहुंचेगा जो नॉर्मली जो है ना बीफ नहीं खा सकते महंगाई की वजह से। तो सोचो कितनी दुआएं मिलेंगी। आप लोग भी अगर अपनी कुर्बानी वक्फ करना चाहते हैं कि आपकी कुर्बानी करके लेस प्रिविलेज लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम VIP से VIP इंशाल्लाह सौदा करेंगे आपके लिए। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज हमारा सौदा जल्दी भी बन गया और उस बंदे से बन गया जिससे हमें लग रहा था कि यार ये बिल्कुल देने के मूड में नहीं है। ऐसे ही ना बस। हाँ यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब हम समझ होते हैं यार ये नहीं देगा लेकिन दे देते हैं। देखें भाई, दो बड़े बड़े जानवर जा रहे हैं, भारी भारी जानवर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये बंदा क्या कर रहा है, ये देखें, ये धागा शागा लगाया हुआ है इसने, किस चीज का दरख्त है? अच्छा इमलियां तोड़ रहा है यार, ये देखें यार इमलियां तोड़ी जा रही है। अच्छा मुझे लगा था आपस की बात है कि ये जो है ना केरिया वगैरह तोड़ रहा होगा, लेकिन ये इमलियां निकाल रहा है। और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए भाई इमलियों का इंतजार नहीं कर रहे, फ्रेश जूस ऑर्डर किया है, वो आ रहा है। ये देखें भाई, चाचा के हाथ में इमलियों का खजाना लग गया है। देखें भाई कितनी सारी इमलियां तोड़ ली है, वाह भाई वाह। ऐसा हो नहीं, क्या लेके आयो, क्या लेके आयो? ये इमली लेके आ गया, उनसे मांगे दिखाओ तो सही। अच्छा कितनी बड़ी ली इमली? हाँ तो दिखाओ तो सही, ऐसी कितनी बड़ी है भाई, कितनी बड़ी वाली इमली ली है दिखाओ तो सही, जरा कैसी है? अरे यार शर्म करो यार, क्या तुमने यार शौक पाले में। नहीं इसको खाते कैसे वैसे आप? इसको नमक के साथ खाते हैं। और ये छिलका उतरता है इसका? ये छिलका उतर जाएगा, अंदर का जो ग्रीन ग्रीन है ना वो आपको खाने को मिलेगा। कैसी होती है टेस्ट में? कैसी होती है टेस्ट में? कैसी होती है ये? खट्टा इमली है ना, मतलब VIP होती है, बहुत मजे। नहीं ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, देखिए इसको सब पता है कि जो है ना कैसे इसका छिलका उतरता है, क्या नमक लगता है, क्या होता है, सब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, हिडन कैमरा। यार ये तो देखें यहाँ पे तो फुल माहौल बन गया, हर अगला बंदा आगे जो है ना इमली खा रहा है भाई। ये देखे सब आ रहे हैं, देखे ये देखे ये देखे ये आ गया भाई। आज हम काफी दिन बाद फालसा पी रहे हैं बगैर चीनी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमने क्या ले लिया भाई? पुलाव लिए। कितने? तीन पुलाव लिए। तीन पुलाव लिए क्योंकि व्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोग मंडी के लिए निकल रहे थे तो फरहान भाई ने कहा था कि भाईजान कुछ लेके आइएगा सेटअप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो रमजान की यादें ताजा हो गई यार। कैसे ये भी है ना अमल भाई? कैसे? ओके की रिपोर्ट है। आप लोग आराम से खाएं, एंजॉय करें अपना अपना पुलाव, सही है। 5 hours later, एक ब्रेक के बाद और मंडी की थकन उतारने के बाद आपका भाई फ्रेश होने के बाद वापस आ गया है। इस वक्त रात के 9:45 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना यार कुछ खापा शापा करने के लिए बाहर निकलते हैं। देखिए भाई, आपका भाई जो है ना यहाँ से आ रहा है, सही है, बासित वहाँ से आ रहा है, दोनों ने लाइव लोकेशन शेयर की हुई है और यहाँ कहीं बीच में हमने खाना खाने के लिए रुकना है। तो भाई अब जो है ना आपका भाई जौहर के इलाके में पहुंच गया और बासित भाई भी पहुंच गए। भजन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताएं कि हम दोनों लाइव लोकेशन शेयर करके क्यों निकले थे? ताकि एक साथ एक जगह, ताकि एक दूसरे को भरोसा नहीं है ना कि कोई घर से निकला या नहीं निकला, असल रीजन ये था। तो अभी कौन सा इलाका? ये परफ्यूम चौक के पास है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था हमारे जो वॉक वाले भाई हैं वो अपना सेकंड सेटअप खोलने जा रहे हैं, तो ये देखें भाई सामने इन्होंने खोल दिया। अब वहाँ पे चलते हैं और उनको बोलते हैं कि आज कुछ नया बना के खिलाओ। भाई अभी जो है ना आप लोग पूछेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन ये देखें भाई क्या है, कौन सा अपार्टमेंट है, रूफी लेक ड्राइव। रूफी लेक ड्राइव के बिल्कुल बाहर है भाई वॉक का सेटअप। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई हमने जो है ना पीछे से एंट्री मारी, आगे रश लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने बोला कि पीछे से एंट्री मार दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हैं आज छापा मार दिया ना हमने। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? न्यू ब्रांच के ऊपर आ गए आपकी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कुछ नया खिलाइएगा आज हमको, सही है? आए हाय हाय, चले बस वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अरे मतलब शाहिद भाई तो जो है ना आज हल्के ही नहीं आ रहे हैं यार, ये देखे भाई, वाह भाई वाह, ओए होए होए, यहाँ पे भी नेक्स्ट लेवल का सीन तैयार हो रहा है। क्या है भजन? वॉक ऑन फायर। वॉक ऑन फायर, सलमान भाई के हाथ से मिल रहा है तो फिर VIP सेटअप होगा ना यार। क्या खिला रहे हैं यार शाहिद भाई, आप ये बताएं यार। गार्लिक प्राउन, ओए होए भाई, नॉर्मली हम लोग खाते हैं इनका डायनामाइट प्राउन और आज आ गया गार्लिक प्राउन और ये राइस के साथ आया है यार, जबरदस्त लग रहा है सीन। सलमान भाई भी कुछ दे रहे हैं यार हमको, ब्लैक पेपर बीफ। ओए होए 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 होए, एंड हो गया है यार, मतलब धुएंदार सीन हो गया है भाई। हमने जो है ना डाले को ही अपना जो है वो डाइनिंग टेबल बना दिया और ब्लैक पेपर बीफ जो है ना बहुत टाइम बाद हाथ में लगाए। आ हा हा हा, ये देखें यार, मतलब बीफ बोल रहा है कि यार बस आसरा करना नहीं आज। ये आ गया भाई सीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंह में तो पानी आ गया होगा आप लोगों को।
कमाल हो गया। और ये आ गया भाई गार्लिक प्राउन, कैसा होता है मुझे आइडिया नहीं। गार्लिक प्राउन जो है ना उन लोगों के लिए जो कम स्पाइसी खाना खाते हैं। अरे भाई जान, आप लोग जब खुद चढ़ के ऊपर बनाएंगे तो मजा नहीं आया, ऐसा हो सकता है क्या? बेहतरीन, मतलब बीफ खा के तो तबीयत ही खुश हो गई है यार। और ये हमारे सब्सक्राइबर आ गए भाई, ब्लॉग में आना चाहते थे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। ठीक है, खैरियत से हैं? सारे ब्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू भाई। अब जो मैं बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, आप लोगों ने गौर से सुननी है। अगर इस वक्त आप किसी काम में बिजी हैं तो दो मिनट के लिए वो काम छोड़ दें। बात यह है कि आज का व्लॉग इख्तिताम को पहुंचा। अगर आप लोगों ने व्लॉग इंजॉय किया तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यार। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।